इंडिजिनस बिल पास करवाया तो हमें लगा जो आप लोग ने जो देखा कि भाजपा लोग मायूस थे। बिल पास हुआ है, लोगों के हित में पास हुआ, लेकिन भाजपा में मायूसी थी। तो ये कभी भी ये इनके जो चरित्र से ये पता चलता है कि ये पूंजीपतियों के लोग हैं ये लोग, और इनकी मानसिकता कुछ और है, गौरसे की मानसिकता है भाजपा के पास। नाम से उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। उसको हम लोगों ने आपत्ति कल विधानसभा में हम लोगों ने दर्ज किया था। हम लोगों ने जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखा, हमारी पार्टी ने बातों को रखा, लेकिन सत्ता पक्ष बहुमत का ध्वंस में उस बिल को पास करने में सफल हो गई। देखो बिल में कई त्रुटियाँ था, उन त्रुटियों की ओर लगातार हम लोगों ने संसदीय कार्य मंत्री जो उस बिल के वो रख रहे थे आदरणीय आलमगीर साहब को, तो हम लोगों ने काफ़ी बेबाक तरीके से अपनी बातों को और त्रुटियों को रखने का काम किया, लेकिन सारी त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए और बहुमत के ताकत पर एक बिल को जो पेश किया गया, इसमें बहुत से ऐसे निर्दोष लोग हैं जो कल मोमिनजी के नाम पर, उन्हें सरकार झूठे केसों में फंसाएगी, प्रशासन झूठे केसों में लपेटने का काम करेगी, और इसे सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई होंगे तो हमारे आदिवासी समाज होंगे। गए हैं नए नए मुद्दे, आज मॉब लिंचिंग पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। मॉब लिंचिंग कितना बड़ा एक हथियार है कि जिससे आज आम जनता को कितना बड़ा सुरक्षा कवच मिला है, इसका अंदाजा इन्हें नहीं है। ये मॉब लिंचिंग पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इनका इस तरह का कृत्य रहा है। इनके 5 साल के कार्यकाल में जितने मॉब लिंचिंग हुए और उसमें कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहे हैं, और अब देख रहे हैं कि इनका हाथ बंध रहा है तो इस तरह की बातें उठा रहे हैं। ग्रीन इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट केम टू आवर माइंड दैट बेसिकली देर शुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रिडी, दोज हु आर लीविंग द टाउन एंड गोइंग आउटसाइड फॉर यू नो स्टडीज, देयर हायर स्टडीज एंड देयर एजुकेशन। आई वॉन्टेड माई सन टू स्टार्ट विद द कोडिंग क्लासेस, so I researched it online, I got through all the reviews and everything, then I got in touch with the white hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real, we can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.